तेरा वादा अगर वफा होगा। सैम आ रही है। बंदा आने से पहले बताता है, ये क्या कि अफरा तफरी में भाई से कहलवा दिए? अम्मी उनके पास आज फ्री टाइम होगा इसलिए आ रही है। रेहान से कई रिश्ते थे मेरे, इतने सारे रिश्ते होने के बावजूद मैंने कभी उसका उधार नहीं रखा, तो अली से तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो क्यों एहसान लूं मैं उसका? सारा बेटा बनकर अपनी सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही, सोचो भला वो बेटी बनकर कैसे रुखसत हो सकती है। मैं बांटूंगा ना उनकी जिम्मेदारियों को। शायान की नौकरी का मसला है ना, मैं दिलवाऊंगा शायान को नौकरी। आपकी तबीयत का भी ख्याल रखेंगे, घर के छोटे मोटे काम भी जिंदगी के साथ चलते रहेंगे। बस आप परेशान मत हो, मुझे अपना दामाद नहीं अपना बेटा समझिए। तेरा वादा अगर वफा होगा। क्या हुआ, मना कर दिया? साफ मना भी नहीं किया, लेकिन जितना लोन चाहिए था उस पर अग्री भी नहीं किया। यार मैं कितनी भी स्कीम्स बेच लूँ, कितना भी कमीशन कमा लूँ, मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकती कि मैं मारिया की शादी धूमधाम से करूँ। यार तुम एक काम करो, जो पैसे अली को देने जा रही थी वो ना दो। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे उन पैसों से जहेज भी आ जाएगा, शादी के सारे अखराज पूरे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अखराज में सही थोड़ा बहुत आसरा तो होगा, बल्कि जो तुमने मुझे कमेटी के पैसे दिए हैं वो भी ले लो। पागल हो गई हो क्या तुम? अभी दे दिए तो दे दिए, कल के हालात का मुझे भी नहीं पता, जिंदगी का क्या भरोसा। तौबा है तुम्हारी यार, फालतू में फॉर्मल हो जाती हो। फॉर्मल नहीं होती मैं, बस दोस्ती करना चाहे फायदा नहीं उठाना चाहती। तुम कहो तो अपने हस्बैंड से बात करूँ, कल बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक एक दो इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। हाँ प्लीज यार, अगर तुम ऐसा कर लो तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं। बोलो। पता नहीं आंटी कैसे रिएक्ट करेंगी। हम लड़के वाले हैं और लड़के वाले जैसे भी हूँ हमेशा अपर हैंड रखते हैं। डर तो लड़की वालों को लगता है कि अगर उनकी बेटी घर बैठी रह गई तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे। लड़की होने के बावजूद आपकी ऐसी सोच है? I am surprised, Sam. तुम्हारा सरप्राइज होना बनता नहीं, तुमने और मैंने बगैर किसी कसूर के कितने सवालों के जवाब दिए खानदान वालों को। याद है ना तुम्हें कैसे इशू बनाकर फैजान ने ऐन माइयों वाले दिन 4 साल पुरानी मंगनी तोड़ी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसे मौका चाहिए था रिश्ता तोड़ने का और वो उसे मिल गया। पर चाचू की डेथ का दुख भी तो सहना उन्होंने। उसे क्या फर्क पड़ा, चाचू के जनाजे को कंधा दिया, बिजनेस माइंड अप किया और हिस्से के नाम पे चंद लाख हमें दे के वो तो चला गया US, सेटल हो गया। पापा की डेथ के बाद अम्मी को उस दिन रोते देखा था मैंने और यही गम खा गया हमने। अम्मी के जनाजे पे मैंने वादा लिया था खुद से मैं शादी नहीं करूंगी। हर मर्द फैजान भाई जैसा बेवफा नहीं होता। मर्द बाप या भाई के रूप में हो तो वो रिश्ता निभा लेते, उसके अलावा मर्द साथ से वफा करना एक बेवकूफी। सैम, सैम, आप भूल क्यों नहीं जाती पुरानी बातें? कई बार दुआएं किए मैं, लेकिन शायद मेरी दुआ में कोई असर ही नहीं, इसलिए वो पूरी नहीं हुई। खैर मैं भी खुशी के मौके पे कैसी बातें लेके बैठ गई, वो वेट कर रहे होंगे। चलें
मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, अम्मी को बता देना। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन कराची की ट्रैफिक का आपको पता ही है, बस उसी में फंस गया था। कुछ ऑर्डर किया आपने? यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। लेट मी ऑर्डर दैट। एक्सक्यूज मी। यस। अस्सलामुअलैकुम। दो कैपुचिनोस प्लीज। गो गाइस। थैंक यू। ये क्या है? आपने जो मेरी मदद करके मुझ पर एहसान किया था वो तो नहीं चुका सकती मैं, हाँ लेकिन हॉस्पिटल का बिल ज़रूर पे कर सकती हूँ। आपने तो मुझे बिल बताया ही नहीं था, स्पेशली हॉस्पिटल जाके मुझे उनसे पूछना पड़ा। देखिए, मैंने जो भी किया एक दोस्त की हैसियत से किया, आपको इन फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बात फॉर्मेलिटीज़ की नहीं है, बात मेरी नेचर की है। हाँ बस मजबूरियाँ कभी कभी इंसान को बेबस कर देती हैं। प्लीज रख लीजिए। मैम थैंक यू। प्लीज थैंक यू। मुझे घर जल्दी नहीं पहुंचना होता तो आपके साथ जरूर कॉफी पी थी, लेकिन थोड़ी जल्दी में हूँ, सॉरी। एंजॉय योर कॉफी। इतना तकल्लुफ करके आपने मेरी शर्मिंदगी बढ़ा दी। अरे बेटा, आप जब से आई हो कितनी बार माजरत कर चुकी हो, आप खत्म करो इस किस्से को। ये लीजिए। नो थैंक यू, मैं डाइट पर हूँ। सैम थोड़ा सा तो टेस्ट कर ले। मैं डाइट पर चीट नहीं कर सकती, तुम खाओ ना। आप बताइए कब आऊं मैं रुख्सती लेने? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है सारा। सारा आओ बैठो। फिर आप बताएं कब आओ रुख्सती लेने? वो दरअसल रुख्सती तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं कह रही थी फिलहाल अगर मंगनी कर लेते और साल दो साल बाद शादी कर देंगे। दरअसल बेटी का मामला है, उसे खाली हाथ में तो रुख्सत नहीं कर सकते ना। आंटी जहेज के नाम पे हमें कुछ नहीं चाहिए, माशाल्लाह अभी लास्ट मंथ ही हमने घर का सारा फर्नीचर चेंज किया और बाकी सब कुछ भी। आप बस हाँ कर दें। चले जैसे आपकी खुशी। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। मैं मिठाई लेके आती। तुम्हारी शादी कब हो रही है? सारा मिठाई लाओ ना जल्दी से, अब दिन और तारीख तय कर लेते हैं। तो बताएं आप। वैसे असूलन तो सारा की शादी पहले होनी चाहिए, उसकी शादी होने में कोई मसला है क्या? वो असल में पूरे घर को वही सपोर्ट करती है ना, इसलिए
तो इसलिए आंटी ने सारा की शादी का ख्याल दिल से ही निकाल दिया है। शुक्र है भाई, फर्नीचर की तो बजट करवा दी सामने। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? सिंपल सी बात है, उसके बाद क्या रह जाता है? कपड़े, ज्वेलरी और सैंडल्स। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, शादी के हॉल पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। यूनिवर्सिटी की ना सारी दोस्तों को बुलाऊंगी, सबकी सब शॉक्ड रह जाएंगी देखे कि सर बिलाल से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी खुशियाँ बहुत महंगी नहीं पड़ेंगी सारा को? तो मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, जैसे पेके अंदाज में थोड़ी होगी। हाँ भाई, तुम्हारी खुशियाँ बहुत धूमधाम से मनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सारा, धूमधाम से शादी करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हो जाएंगे अम्मी अरेंज, आप क्यों फिक्र करिए, मैं हूं ना। मैंने फायजा से बात की है, नासिर भाई इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, अगर वो मुझे हायर कर लें तो शायद मसला हल हो जाए। अच्छा चलो, खैर आज अली आया था घर। वो क्यों आया था? वो तुमसे शादी करना चाहता है। पता नहीं उसको समझ क्यों नहीं आती है कि मैं उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अरे यार, मैं जीत गई। जी नहीं, तुमने सर्विस ही सही नहीं की थी। नहीं, आपने मिस किया। यार चीटिंग मत करो ना, तुमने सर्विस सही नहीं की थी। महल है भाई। अरे भाई फोन का मजाक नहीं, नहीं फोन का मजाक, पानी मेरा फोन वापस, फोन वापस। अच्छा चलिए जाए, क्या याद करेंगे आप, ये ले रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, आपको घर आने की क्या जरूरत थी? मैं रिश्ता लेने के लिए तो घर ही आ जाता है, आप कहती हैं तो ऑफिस आ जाता हूँ माँ को लेकर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। बा खुदा, मैं भी मजाक नहीं कर, बहुत सीरियस हूँ आपके लिए। मुझे नहीं करनी शादी। देखें, अब आप इनकार करें या गुस्सा, इसका तो कोई फायदा नहीं, बात अब बड़ों के दरमियान आ चुकी है। हाँ या ना का फैसला तो बड़े ही करेंगे, क्योंकि मैं पीछे हटने वाला नहीं। आप अभी आप कर लेना शादी, घर की फिक्र छोड़ दें, मैं कॉलेज के साथ होम ट्यूशन्स पढ़ा के मैनेज कर लूंगी। तुम कुछ मैनेज नहीं करोगी, समझी? तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, घर के खर्चों की फिक्र करने के लिए मैं काफी हूँ। फिर भी अभी आप एकदम सोचे तो सही इस बारे में, अली भाई इतने अच्छे तो हैं। दीवार से सर फोड़ रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारी ये बातें तुम्हारी चहेती आपी को समझ में नहीं आने वाली, कि दिमाग नाम की चीज इनके पास है ही। ये तंस की तीर ना अपनी नंद के लिए बचा के रखो। मैं सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, माशाल्लाह से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा है ना सही तरीके से काम क्या करो, जाओ जाके मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी सब ठीक है, लेकिन फिर भी औलाद की खुशी के लिए तरस रही हूँ। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो और बस तुम दुआ करती रहो, अल्लाह ताला जरूर नवाजेगा। पता नहीं मामा,
कब मेहरबान होगी किस्मत मुझ पर। शायद इसी बहाने शरीर मुझ पर तवज्जो देने लगे। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जानती हूँ बेटा, शहीर की बेरुखी तुम्हें अंदर ही अंदर मार रही है। अम्मी, वो जैसा चाहेंगे मैं उस रंग में ढल जाऊंगी। तो वो कुछ कहे तो सही, बात तो करे मुझसे। हम एक कमरे में भी अजनबी की तरह रह रहे हैं। अच्छा लगता है जैसे वो मजबूरी या जबरदस्ती ये रिश्ता निभा रहे हैं। अम्मी, मेरा हक भी एहसान जताने वाले अंदाज में पूरा करते वो। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ बेटा, लेकिन मेरी हर बात मानने वाला बेटा पता नहीं क्यों इस बात को टाल जाता है। तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। वो बहुत जल्द तुम्हारी गोद भर देगा। शायद इस बहाने से ही तुम दोनों के दरमियान की दूरियां खत्म हो जाएं। देखो नगीन, तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। सबर से काम लो, देखना इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें सबर का फल जरूर मीठा देगा। बेटा, यूं घर के चक्कर लगाने से सारा नहीं मानेगी। मैंने उससे बात की थी, उसे मनाने की कोशिश भी की थी मैंने, मगर वो तो सुनते ही हद से उखड़ गई। जी जानता हूं, वैसे नहीं मानेंगी। यकीन करें, मैं आपकी और सारे की परेशानियों को समझता हूं। इसलिए आज आपके पास आया। आपको हर महीने किराए की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस फ्लैट में आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो मैंने खरीद लिया। मगर बेटा, तुम्हें कैसे पता कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं? जिस एजेंट के थ्रू ये डील बन रही थी वो मेरा ही एजेंट। बेटा बेकार में किया तुमने ये सब। सारा कभी नहीं मानेगी इस बात पर, और मुझे भी ये गवारा नहीं कि अपने होने वाले दामाद से। दामाद नहीं बेटा, होगा आपका। और आप खुद बताइए, कोई भी बेटा अपनी माँ को यूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ सकता है? कोई भी बेटा अपनी माँ को किराए की परेशानी में उलझा कैसे छोड़ सकता है? बेटा, तुम्हारे इस खुलूस ने मेरा दिल जीत लिया, मगर मेरी सारा वो बहुत खुददार है, वो कभी नहीं मानेगी ये बात। जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ उन्हें बताने की जरूरत क्या है। ये बात बस मेरे और आपके दरमियान भी तो रह सकती है। फिर भी बेटा, ये फ्लैट खरीदना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। मैं सिर्फ सारा की परेशानियों को बांटना चाहता हूँ। ऐ तो छुपा जाऊंगी, मगर वो एजेंट, उसका क्या? अगर उसने कुछ कह दिया तो? उसे मैं मना कर दूंगा, कुछ नहीं कहेगा। बस आप कराए के हवाले से सारा से कुछ भी कह दीजिएगा, कोई भी बहाना बना लीजिएगा। कह दीजिएगा कि शायान ने कराया दे दिया, ये या कोई भी बहाना जो आपको बेहतर लगे वो बना दीजिए। इसी बात सारा को पता नहीं चलनी चाहिए। बेटा, लोग तो रिश्ते होते हुए भी नहीं निभाते, मगर तुम मेरी सारा से सच्चा प्यार करते हो, इसलिए तो रिश्ता ना होते हुए भी निभा रहे हो। वरना कौन किसी का सोचता? किसी नहीं है आप मेरी माँ के बराबर। खैर,
आजाद जब बन जाएंगे मैं खुद आपको ला दूंगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो। बहन की शादी सर पे है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कोई ढंग का प्लान नहीं। ऐसे हाथ पे हाथ नहीं रख के बैठ सकता मैं तो कहता हूँ कोई छोटा मोटा हाथ मार लेते। क्या कहते? जैसा तो बोल। सुन, अभी चले कार्रवाई डालने। अभी? हाँ ना, गन है तेरे पास, हो जाएगी। ला चाबी दे। मैं बोला ना हो जाएगी। मामा लिख लेना। भाई आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, लेकिन भाभी को क्यों जाने से रोक रहे हैं? मैं तुम्हारे क्यों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। लेकिन मेरी बात मानने की पाबंद है। तेरा वादा अगर वफा होगा। अच्छी सैंडल है ना, हाँ चलो अंदर चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे दे दो गोली मत चलाना। गोली यार, ये मेरे वाले साहब की। अगर नहीं दी ना तो तेरे बच्चे भी ये जल्दी उतार। दे जल्दी दे। क्या हुआ, वो सैंडल तुम ले क्यों नहीं रही? पागल हो तुम, इतनी महंगी सैंडल मैं लूंगी अपने लिए? क्यों, जब अपनी बहन के लिए इतनी ब्रांडेड और एक्सपेंसिव शॉपिंग कर सकती हो तो अपने लिए क्यों नहीं खरीद सकती? यार अपने ऊपर खर्च करने के लिए मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है। खुद पर खर्च करना फजूल नहीं होता सारा। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। फिर तुम अली से शादी कर लो। तुम पर खर्च करना वो अफोर्ड भी कर सकता है, बल्कि तुम पर तो खुशी खुशी खर्च करेगा। घर आया था वो अम्मी से बात करने, फोन करके ऐसी खरी खरी सुनाई है ना, मैंने सारी जिंदगी याद रखेगा। और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? यार तुम्हें बताती तो तुम मेरे पीछे ना पड़ जाती। तुम्हारे पीछे ना मैं तुम्हारे भले के लिए पड़ती हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये वाली मंजिल खाली है। क्या करूँ यार, खुद को नए रिश्ते में बांधने के लिए मेरा दिल राजी नहीं है। जिससे रिश्ता पुराना था उसने अपनी माँ के साथ तुम्हारे रिश्ते को भी मनोमट्टी तले दफन कर दिया था। मरने वालों पर तो सब्र आ जाता है, लेकिन जो जीते जी छोड़कर चले जाते कैसे सब्र करे कोई? सबको लगता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएगा। उसे जाना नहीं चाहिए था बाला, ठीक नहीं किया रेहान ने मेरे साथ। पहले अपनी दोस्ती का आदि बनाया और फिर एकदम से दामन छुड़ा के चला गया। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में।
अच्छा यार जी अली आया था। अच्छा फिर आ गया। मुझे तो लग रहा था कि वो सिर्फ शादी करने के लिए बड़ी बड़ी बातें और वादे कर रहा है, लेकिन तो अपनी बात का बहुत खरा निकला। तुम्हें पता है हम लोग जिस फ्लैट में जा रहे हैं वो भी उसने खरीद लिया है। खरीद लिया? अरे अभी तो कोई बात भी नहीं हुई थी वैसी, और उस बंदे ने पूरा फ्लैट खरीद लिया। क्या कहा था आपको? हाँ क्या कहा था? ये अमीर कबीर आदमी है, सारों को पता इस बारे में? अरे नहीं भाई, और ना ही पता चले तो बेहतर है। जानते हो ना वो कितनी जज्बाती है, कभी जो दिमाग इस्तेमाल कर ले वो तो, इसलिए बेहतर है ये बात उसे ना पता चले। और अली भी चुप रहेगा इस मामले में। बस तुम सारा से उस एजेंट का नंबर ले लेना, आगे मैं संभाल लूंगी। अब क्या इरादे हैं आपके? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा मेरी अपनी अम्मी से बात करवा दो, मैं उन्हें घर आने की दावत देना चाहती हूँ। आंटी वो माँ तो घर पे है ही नहीं, आप मुझे बता दीजिए कब हाजिर हो जाए हम। बस बेटा हम एक दो रोज में नए घर शिफ्ट हो जाएंगे, तो तुम परसों आ जाओ। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सारा से बात हो गई आपकी, वो राजी है? अरे बेटा सारा मेरी बहुत फर्मा बरदार बेटी है, वो मेरे कहे को कभी रद्द नहीं करेगी, तुम बेफिक्र रहो। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तुम अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, खुदा हाफिज। आपकी होने वाली सास का फोन था? जी हाँ, इनवाइट किया है उन्होंने। Congratulations, भाई। Thank you. By the way, आपने उनसे झूठ क्यों कहा? माँ तो घर पे ही है। माँ का पता नहीं ना किस मूड में बात करती है उनसे, इसलिए मजबूरन झूठ बोलना पड़ गया। फिर अब क्या? बताना तो पड़ेगा। कैसे बताना है ये? साहब खाना लग गया। ठीक। माँ वो मैं आपको बताना भूल गया, सारा की वालदा ने हम सबको इनवाइट किया अपने घर परसों। मुबारक हो अली। खैर मुबारक भाभी। तो अम्मी हम कब जा रहे हैं? तुम नहीं जाओगी। भाई आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, लेकिन भाभी को क्यों जाने से रोक रहे हैं? मैं तुम्हारे क्यों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। लेकिन मेरी बात मानने की पाबंद है। आप शेर को समझाइएगा ना। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। माया तो सेलिब्रेशन की न्यूज़ है, भाई का तुम मूड ना ऑफ करें, मैं चलूंगी ना आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की, समझ गई?
वह क्या हो गया आपको? अब इसको क्यों रोकनी है जाने से? अरे बड़ों के मामले में छोटों का कोई काम नहीं होता। एक तो मैं इस घर के रिवाजों से बहुत तंग हूँ। हानिया, बेटियां घर की इज्जत और खानदानी रिवायतों की अमीन होती हैं। भूल के भी मत ये सोचना कि तुम्हें बेटों की तरह छूट मिल जाएगी। ठनमान, हाय, ये क्या बात हुई? बेटियों तो रूल्स और सख्त हो जाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, किसने कहा ऐसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अपसेट क्यों हो रही हो? तुम देखना, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस? अरे पक्का प्रॉमिस। चलो खाना खाओ। और सुनो, तुम्हें वहां से वीडियो कॉल कर लूंगा। डन। हेलो, शादी से पहले इतनी बातें करोगे तो बातें खत्म हो जाएंगी, और फिर शादी के बाद खामोश तस्वीर बने एक दूसरे को देखते रहना। पिछले 3 साल में तो हमारी बातों का स्टॉक खत्म हुआ नहीं, इसलिए बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मारिया की पसंद का तो कुछ खास मुझे पता नहीं, इसलिए अपनी पसंद से कुछ ड्रेसेस लेके आई हूँ। तुम ऐसा करना, मुझे फेवरेट कलर बता दो उसका। बल्कि तुम ऑफिस से तो जल्दी फ्री हो जाते हो, मैं सैलून से जल्दी आऊँगी, फिर साथ में शॉपिंग चलेंगे। सैम, वो आप कहाँ ख्वार होंगी शॉपिंग में? मैं और मारिया मिलकर कर लेंगे ना वो शॉपिंग। अच्छा, तो ये तुम दोनों ने पहले से डिसाइड कर रखा है? नहीं, पहले नहीं डिसाइड किया था, बस अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। आपको बुरा लगा? भाई की शादी करना, शादी की खुशियां मनाना, शॉपिंग करना, सब बहनों के अरमान होते हैं। तुम्हें पता है मैंने सोच रखा था, तुम्हारे लिए लड़की पसंद करने से लेकर शादी की सारी तैयारी मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। तुमने लड़की भी खुद पसंद कर ली और अब शॉपिंग भी मिलकर कर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। सैम, आप इतना डिसहार्ट क्यों हो रही हैं? जब मैं आपके साथ भी कर लूंगा शॉपिंग। नहीं, जो तुमने मारिया के साथ डिसाइड किया तुम वही करना। यार एक मसला हो गया है। जेलिस नंदो वाली हरकतें शुरू कर दी सैम ने। मैंने बिलाल के साथ प्लान बनाया था कि हम साथ शॉपिंग पे जाएंगे, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके सारा प्लान खराब कर दिया। उसके भाई की खुशी है, खुश हो लेने दो। और मेरी खुशी का क्या? क्या हो गया तुम्हें मारिया? अभी तुम उस घर में गई नहीं हो, तुम्हें अभी से अपने नंद से इश्यूज स्टार्ट हो गए। इश्यूज मुझे नहीं हुए सारा, उन्हें हुए, इसलिए तुम। अगर तुम जरा जरा सी बात को अना का मसला बनाओगी तो घर कैसे बसाओगी? मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है सारा, बिलाल मरता है मुझ पे। लेकिन अगर सैम इसी तरह इश्यूज क्रिएट करती रहेगी तो फिर मैं भी उन्हें बताऊंगी। ये जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं कि लोग बुरा करते ना और मैं उनके साथ अच्छी बनी रहूं। मैं मारिया हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देती हूं, और बहुत जल्द ये सैम को पता चल जाएगा। तुम आप ही छोड़े, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है।
हुई इससे हर चीज में भूल। सही कह रही हो, वक्त जाया करने के बजाय पैकिंग कर लेते हैं। क्या हुआ, अभी तक पैकिंग नहीं हुई? हो रही है। अच्छा सुनो, वो एजेंट का नंबर दे देना, मैं सोच रहा था खुद डील कर लूंगा ना उससे। खुद डील कर लूं मतलब? इसका मतलब है कि ये किराए के पैसे उसे दे दिया करेगा। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका अकाउंट नंबर है, मैं खुद ही ट्रांसफर कर लूंगी। अरे बेटा क्यों खुद को इन सारे कामों में उलझा रही हो, जब भाई कह रहा है कि वो जाकर दे आएगा तो वो। बस अम्मी, उसको भरोसा नहीं है अब अपने भाई पे। जाहिर बात है यहाँ पर तो सबको लगता है कि मैं चोर हूँ। कोई बात नहीं शायान, ऐसा नहीं है, तुमसे जज्बाती बन में गलती हो गई, भूल जाओ उसे। और जहां तक रही किराए की बात तो चलो इस पर नहीं, कम से कम तुम अपनी माँ पर तो भरोसा कर सकती हो ना। मैं कैसी बातें कर रही हूँ, मैं आप पर भरोसा क्यों नहीं करूंगी? बस तो फिर तय हो गया, तुम किराए के पैसे मुझे दे दिया करना, मैं शायान के साथ जाकर दे आया करूंगी। वैसे भी तुम पर इस घर की जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है, अगर कहीं भी मैं तुम्हारा थोड़ा सा भी बोझ हल्का करने में कामयाब हो जाऊं, खुद से नजरें मिलाने के काबिल समझोगी अपने आप को। मैं कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसी बातें ना क्या करें। सिर्फ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नेक नसीब करे। कैसा हुआ पेपर? अच्छा ही हुआ। क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, अली को बुलाया आज शाम को। सारा मान गई? उससे बताए बगैर बुलाया है, इसी बात को सोचकर उलझी रही हूँ। हाँ वैसे जरूरत भी क्या है उसे बताने की, फजूल में नखरे करेगी। अगर बगैर बताए उसे जल्दी कैसे बुलाएंगे? इस पे क्या मुश्किल है, अभी बुला लेते हैं। ये लो सारा, न्यू कस्टमर्स की डिटेल। हेलो, क्या हो गया, इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें क्या होना है? तो पर फोन क्यों किया इस टाइम? सुनो एक काम था तुमसे। बोलो। यार वो मेरी फ्रेंड की ना एंगेजमेंट है शाम को। तो यार अम्मी से पूछूं, मुझे क्यों बता रही हो? अम्मी से पूछ लिया है, वो कह रही है कि सारा साथ जाएगी तो जाओ, तो तुम शाम में जल्दी आ जाओगी ना। हेलो, आ जाओगी ना शाम में जल्दी? अच्छा आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज। आ जाएगी, फजूल में परेशान हो गई थी आप इतने से काम के लिए। चलो सही है। सर हमने सबको ईमेल्स कर दिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डबल चेक करें आप, मेक श्योर एवरीवन गेट्स देयर ऑर्डर्स ऑन टाइम। सर डबल चेक किया है, लेकिन थोड़ा हमें शिफ्ट बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हारा ध्यान यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, रियली सॉरी। जी आप कंटिन्यू करें, आप क्या कह रहे थे? जी सर, सर मैं कह रहा था कि डबल चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं, तो सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें शिफ्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाएं ना शिफ्ट्स, किसने रोका है आपको? यहाँ पे वैसे लोगों को काम करने का शौक नहीं है। ओके ओके सर। तेरा वादा अगर वफा होगा।
तेरी मेहंदी।